हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप दही के साथ तो आलू पराठा हर बार खाए होंगे, लेकिन इस बार ना हम आम की चटनी के साथ बनाएंगे। अभी आम का सीजन चल रहा है तो आम की चटनी के साथ तो पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आम की चटनी किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए ना मैं ये छोटे वाले आम है, इसमें अभी गुठली नहीं हुआ है ये, और मैं छोटे आम ही लेके आई थी चटनी बनाने के लिए। बिल्कुल मतलब खट्टा भी है और इसको काटने में दिक्कत नहीं होता है। और ये देखिए, इस तरीके से मैं छील के इसको धो के अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख ली हूँ। और कुछ ये पुदीने के पत्ते हैं और धनिया के पत्ते और हरी मिर्च और अदरक लहसुन है। अब इसको क्या करेंगे, ग्राइंडर जार में डाल देंगे इन सभी को और एकदम फाइन सा प्यूरी बना के रेडी करेंगे। इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और आसान भी बहुत है। और ये देखिए, इसमें सारे जो धनिया पुदीना आम है, दो हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ, चार तो रखी थी लेकिन काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा इसलिए मैं सिर्फ दो डाली। और लहसुन अगर जिसको नहीं खाते होंगे वो ना डालें, अदरक ही सिर्फ डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें ना स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाली हूँ और आधा चम्मच ना जीरा पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे ना चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, दो तीन चम्मच के लगभग, और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। मैं ना इसमें शक्कर डालना भूल गई थी, क्योंकि चटनी में अगर आप थोड़ा सा भी शक्कर डालेंगे ना तो इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं बीच में इसमें फिर शक्कर डाल दी हूँ खोल के। और ये देखिए कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है, आप देख सकते हैं एकदम हमारा ग्रीन चटनी बन के रेडी हो गया है। अब इसको साइड में रखते हैं और अब आलू पराठा के लिए आटा लगाते हैं। मैं दो कटोरी आटा ली हूँ इसमें और एक चम्मच में इसमें ऑयल डाली हूँ और इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ मैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके और एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे, जैसे हम रोटी और पराठा के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से एकदम मुलायम सा आटा तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाई हूँ मैं, देख सकते हैं आप। और इसको ना ढक के 20 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। जब तक आटा हमारा रेस्ट हो रहा है तब तक ना आलू का स्टफिंग तैयार करते हैं। आलू मैं उबाल के रख ली थी पहले से ही, अब इसको छील लेंगे। आलू मेरा ठंडा हो गया है और अब ठंडा करके ही आलू को लें। ये देखिए 6 आलू है ये, और इसको मैं हाथ से ही ऐसे मसल ले रही हूँ। आप चाहें तो पोटैटो मैसर आता है उसके साथ भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको अच्छे से तोड़ ली हूँ। अब इसमें ना एक प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो बिल्कुल भी मत डालिएगा जिन लोग नहीं खाते हैं। एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, एक चम्मच हरी मिर्ची है ये, और खूब सारा धनिया के पत्ते हैं ये, और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें, और बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाले, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इन सभी को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। मैं चम्मच से मिक्स कर रही थी लेकिन ना अच्छे से मुझे बना नहीं, तो इसलिए ना मैं हाथ से ही अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है ये। और बस ये हमारा स्टफिंग भी बन के रेडी हो गया। अब आटा को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 20 मिनट हो चुका है, और हाथ में थोड़ा सा घी लगा के ना मैं आटा को फिर से एक बार अच्छे से मसल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से नीट कर लेंगे, और आटा मेरा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अपना उसमें आलू का पराठा बना रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही इसका पेड़ा रहेगा, रोटी और पराठा से थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा रहता है। और बस आप इस तरीके से बेलन से थोड़ा सा बेल लीजिए, बहुत बड़ा नहीं, जितना बड़ा पूड़ी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा। और जितना हम मतलब आटा लिए हैं ना, एक पेड़ा लिए हैं इस पराठे के लिए, सेम उतना ही हमको स्टफिंग भी चाहिए, तभी जाके आपके पराठा का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप स्टफिंग कम डालेंगे ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि पराठा हमारा फट जाए। और बस इस तरीके से आटा से इसको डस्ट कर लीजिए, और बस हल्के हल्के हाथ से इसको बेलते जाइए, बहुत दबा के नहीं बेलना है। देख सकते हैं थिकनेस, बहुत मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, क्योंकि पराठा है आलू का तो थोड़ा तो मोटा रहेगा ही। और बस इसी तरीके से दूसरे को ही बना के रेडी करेंगे। ये देखिए मैं साइड से इसको इस तरीके से फोल्ड करती जा रही हूँ, और बीच में इसको दबाते जाइए, और दबा के ना चारों तरफ से अच्छे से सील कर दीजिए, जिससे ना कुछ भी बाहर ना निकले, और उसको भी धीरे धीरे बेलते जाइए। और ये देखिए एक तरफ से बहुत अच्छे से सिक गया है ये,
और ना मैं इसमें देसी घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आलू का पराठा है ना तो घी में बहुत अच्छा लगता है। घी आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। और आप इसको उलट पुलट के एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक एकदम क्रिस्पी अच्छे से सेक लीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखिएगा, जिससे पराठा ना अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और आप इसको दबा दबा के ही सेकिएगा, जिससे बहुत अच्छे से कलर भी आता है और अंदर तक पक जाता है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, ये देखिए ये बन चुका है। और बस अब इसको साइड में रख देंगे। मैं प्लेट के ऊपर छोटा प्लेट रखी हूँ इसलिए ना, जिससे कि इसका जो भाप है नीचे से भी निकलता रहे और हमारा जो पराठा है ना नीचे से पानी ना हो जाए। दूसरे को ही मैं तवे पर डाल दी हूँ और इसी तरीके से इसको भी घी लगा के अच्छे से सेक लेंगे। गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल लो ही रखिएगा, जिससे पराठा अच्छे से पक जाए अंदर तक। और इसी तरीके से सारा पराठा बना के हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है ना कि एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। और ये हमारा रेडी है आम की चटनी और ये बटर वाला पराठा बटर के साथ। आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।